हेलो बच्चों, आज जिस कविता के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति है। इस कविता में कवि ने अपनी मृत्यु को प्राप्त पुत्री के विवाह दृश्य को ध्यान में रखते हुए, उसे याद करते हुए कविता लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपने पुत्री के विवाह के समय घटित होने वाली सारी घटनाओं को याद करते हुए अपने पत्नी की अपनी मृत पत्नी की छवि को भी याद किया है। पुत्री के विवाह से लेकर उसके मृत्यु तक की गाथा सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपनी सरोज स्मृति के द्वारा हमारे समक्ष रखा है। सारांश अगर बताएं तो इस कविता का सारांश ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पत्नी का देहांत बहुत ही कम समय में हो गया था, जब उनकी पुत्री काफी छोटी थी। पुत्री का पालन पोषण सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने स्वयं किया था। विवाह के समय संपन्न होने वाले सारे कार्य भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने स्वयं किया। दुर्भाग्यवश सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का निधन भी कम उम्र में ही हो गया था, जिससे वो काफी दुखी थे और उसी की याद में ये सरोज स्मृति उन्होंने रचा है। तो आइए जानते हैं उनकी कविता के माध्यम से एक कवि इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ कविता की पहली कुछ पंक्तियां हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मि भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने पुत्री के विवाह को बिल्कुल नए तरीके से बताता हुआ उसके सारे भावों को यहाँ पे वर्णित कर रहा है और उसे एक धैर्यवान मूर्ति की संज्ञा देकर अपने यौवन काल के, अपने युवा अवस्था की सभी स्मरण को तरोताजा करता हुआ ये पंक्ति कवि ने यहाँ पे दर्शाया है। देखा विवाह आमूल, आमूल माने होता है बिल्कुल नवल यानी नया। यहाँ पर सूर्यकांत जी के पुत्री का विवाह जिस समय हो रहा है वो बिल्कुल नए तरीके से हो रहा है। उनके परिवार में ऐसा विवाह शायद पहले कभी नहीं हुआ था। आगे की पंक्तियों में भी ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि ऐसा क्या था जिससे उनका विवाह आमूल नवल लिखा गया है। यहाँ पे देखा विवाह आमूल नवल, लोगों ने एक बिल्कुल नए तरीके का विवाह देखा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, जब कलश का शुभ जल तुम्हारे ऊपर डाला जा रहा था। देखी मुझे, देखती मुझे तू हंसी मंद, मुझे देखते हुए तू मंद मंद हंस रही थी। तेरे चेहरे पर एक हंसी थी जो पूरी तरीके से खिलकर बाहर नहीं आ रही थी। होंठों में बिजली फंसी स्पंद, मतलब जो हंसी का एक उमड़ उमाड़ था वो होंठों में बंधा हुआ था, होंठों के बीच फंस गया था। जैसे तू हंसना चाहती थी मगर तू खुलकर हंस नहीं पा रही थी, तू धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और यानी हृदय में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और हृदय में भर प्रिय की, मतलब प्रियतम की सुंदर छवि को तू अपने हृदय में भरकर उन्माद से झूल रही थी, यानी बहुत खुशी मन में बहुत खुश हो रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, एक गहरी सांस के साथ, एक गहरी सांस के साथ तू अपने सारे भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। तेरे अंग अंग में एक अजीब सा विश्वास था। अपने यहां पर कभी बताना चाह रहे हैं
कि जो उनकी पुत्री थी अपने विवाह के समय वो अपने दाम्पत्य जीवन आने वाले दाम्पत्य जीवन को याद करके उसके कैसे भाव प्रकट हो रहे थे वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो खुली एक उच्छ्वासन, एक मतलब गहरी सांस लेकर तू अपने भावनाओं को जैसे बता रही थी कि तेरे अंग अंग में पूरा विश्वास से भरा हुआ आने वाले दाम्पत्य जीवन को जीने की एक आशा लिए हुए था। नत नैनों से आलोक उतर, नत यानी झुके हुए नैनों से जैसे कोई प्रकाश उतर आया हो, और कांपा अधरों पर थरथर, जो ओंठों पर आकर थरथर कांप रहा हो। देखा मैंने वह मूर्ति थी, यह धैर्यवान मूर्ति मैंने देखी मेरे बसंत की प्रथम गीति। और यह देखते हुए कवि ये कहना चाह रहा है कि इस दृश्य को देखते हुए मुझे अपनी युवा अवस्था में जो हमने जो हमारे युवा अवस्था में जो श्रृंगार की प्रथम कली खिली थी वो मुझे याद आने लगी है। तो यहाँ पे कवि अपने पुत्री के विवाह के समय होने वाले हाव भाव को वर्णित करते हुए अपनी युवा अवस्था को याद कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो अनुप्रास एवं पुनरक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है, और भाषा में लाक्षणिकता है। कवि द्वारा रचित इस कविता की अगली पंक्तियां हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निसी, दिवस जाग प्रिय मौन एक संगीत भरा, न जीवन के स्वर पर उतरा। जैसा कि मैंने पिछली पंक्तियों में आपको बताया था कि निराला जी के पुत्री का विवाह एक अलग ढंग से हो रहा है, किस प्रकार से यह विवाह अलग है उसी का वर्णन इस इन पंक्तियों में मिलता है। सारांश में आपको इसका पहले बता देता हूं, निराला जी के पुत्री के विवाह के समय में उनके किसी भी करीबी को आमंत्रण नहीं भेजा गया था, इसलिए यह विवाह बिल्कुल से अकेला सिर्फ उनके पुत्री का विवाह हो रहा था, कोई उनके रिश्तेदार वहां पे शामिल नहीं थे। यहाँ पर कवि को ये बहुत ही गलानी हो रही है कि जब भी किसी के यहाँ विवाह होता है, खासतौर से पुत्री का विवाह होता है, तो उसके सगे संबंधी मिलकर रात में जागकर गाना गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, गीत गाते हैं, और वो सारे परंपराओं को वहां पे निभाया जाता है जो एक पुत्री के विवाह में हर एक घर में परंपरा के साथ मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो निराला जी के पुत्री का विवाह है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ उनकी पुत्री का विवाह एक सरल और सादगी तरीके से संपन्न हो रहा है। तो यहाँ पे कविता है श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार जो निराकार माने जिसका कोई आकार या प्रकार ना हो, रस कविता में उच्छ्वसित धार मतलब उमड़ती हुई धार, रस की कविता मतलब उन श्रृंगार जिसका कोई आकार या प्रकार नहीं है वो भी मेरे कविता में एक रस की धार की तरह बाण या कह लीजिए बाण की तरह उमड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब रस कविता में रस भरता हुआ उमड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, यहाँ पर अपनी पत्नी को याद करके बोलते हैं कि गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, ये ठीक उसी प्रकार से लग रहा है जैसा मैंने अपनी पत्नी के साथ सबसे पहला अपना गीत गाया था, और जो मेरे प्राणों में राग रंग यानी अलग अलग तरीके से एक जीवन जीवित उन्माद सा पैदा कर रहा है, एक नए तरीके का ऊर्जा मेरे प्राणों में भर रहा है, रति रूप प्राप्त कर रहा वही,
रति रूप यानी कामदेव की पत्नी रति का यहाँ पे स्मरण करते हुए अपनी पुत्री को रति के समान सुंदर बताते हुए बता रहे हैं। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही, मतलब आकाश जो ऊपर आकाश है वो भी पृथ्वी यानी मही के साथ, मही यानी पृथ्वी, आकाश भी अपनी पृथ्वी के साथ मिलकर दाम्पत्य जीवन का जैसे बोध करा रहा है। हो गया ब्याह यानी जी यहाँ पे इनका विवाह संपन्न हो गया है। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, मतलब उनका जो सबसे करीबी थे उनमें वहां पे कोई नहीं था। ऐसा क्यों था? ना आमंत्रण था भेजा गया, मतलब उनको कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया था। विवाह राग भर रहा ना घर, मतलब कोई भी घर में विवाह का कोई भी राग, विवाह के कोई भी गीत नहीं गाए गए। निस दिवस जाग, मतलब रात दिन जाग कर जो घरों में विवाह के गीत गाए जाते हैं वो हमारे इस घर में नहीं गाए गए। प्रिय मौन एक संगीत भरा, मतलब एक बिल्कुल शांति के माहौल में नवजीवन के स्वर पर उतरा। ये नया जीवन यानी जो शादी संपन्न हुई ये बिल्कुल एक सादगी भरा, एक बिल्कुल स्थिर, बिना किसी के उपस्थित के पूर्ण संपूर्ण हुआ और एक नया जीवन यहाँ पर शुरू हो रहा है। यानी उनकी पुत्री का विवाह एक सरल तरीके से संपन्न होता है। तो यहाँ पे उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। मुक्त छंद होते हुए भी गेयता है और कवि ने अपनी पुत्री के सादगीपूर्ण विवाह का वर्णन किया है। आप किसी भी कविता, जो कविता की पंक्तियां आपको दी जाती है तो उसका भावार्थ या उसकी व्याख्या लिखने से पहले उसका प्रसंग जरूर लिखिएगा। और प्रसंग लिखते समय ये आपको बता दूं कि आपको लिखना क्या है। लिखना ये है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग टू में संकलित कविता सरोज स्मृति से उद्गृहित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और सरोज स्मृति एक शोक गीत है जिसे कवि ने दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। ये प्रसंग इस सरोज स्मृति के हर कविता की पंक्तियों का व्याख्या करते समय आपको लिखना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कविता की अनपंक्तियां हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, यहाँ पे कुल शिक्षा से पूरी शिक्षा नहीं है, कुल शिक्षा यानी मर्यादा में रहने वाली जो शिक्षाएं पुत्री को दी जाती हैं उस शिक्षा के बारे में यहाँ पे कवि बता रहा है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जीव अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली तो खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूदे दृग्वर महामरण। अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी अपने इस कविता में लिखे गए पंक्तियों से ये वर्णित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि स्वयं कवि ने अपने पुत्री को मर्यादा में रहने की शिक्षा दी जो उसे अपनी माँ के द्वारा मिलनी चाहिए थी, और यहाँ पर अपनी पुत्री के विवाह को वो शकुंतला से तुलना करा रहे हैं, क्योंकि शकुंतला के विवाह के समय भी उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी। शकुंतला का विवाह भी उनके पिता के उपस्थित में हुआ था और बहुत ही सरल तरीके से हुआ था, जैसे इस समय त्रिपाठी जी के पुत्री का विवाह हो रहा है। विवाह के पश्चात उनकी पुत्री का नानी के घर जाना और फिर वहां पर उसे मृत्यु को प्राप्त होना, इसके बारे में यहाँ पे त्रिपाठी जी ने अपने इन कविता के इन पंक्तियों के द्वारा यहाँ समझाया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ द्वारा मर्यादा में रहने वाली जो शिक्षाएं देनी चाहिए थी वो मैंने दे दी। पुष्प से तेरी स्वयं रची,
जो भी काम विवाह से संबंधित थे वो मैंने किए, मतलब तुम्हारी जो सैया थी, शेष थी, उस पर पुष्प भी मैंने ही स्वयं डाले, मैंने ही वो सैया स्वयं तैयार की। सोचा मन में, यह मन में सोचा, वह शकुंतला, मतलब तेरी शादी भी वह शकुंतला की तरह ही है। लेकिन फिर मन में ये विचार आया कि नहीं, शकुंतला का विवाह तो कोई किसी अन्य तरीके से हुआ था, तुम्हारा जो शिक्षा थी वो कुछ अलग थी। कुछ दिन रह गृह, मतलब कुछ दिन रह गृह, मतलब अब कुछ दिन घर में रहकर, घर यानी उसकी पुत्री का ससुराल, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, आनंद पूर्वक तू अपने घर में कुछ दिन रही, फिर क्या हुआ, बैठी नानी की स्नेह गोद, और तब तू नानी के यहाँ चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, जहां पर मामा मामी ने तुमको बहुत प्यार दिया, भर जलत धरा को जियो पर, जैसे आकाश पानी बरसाकर धरा को अपने खुशियों से ओत प्रोत कर देता है, वैसे तुझे मामा मामी के यहाँ भी बहुत प्यार मिला। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे सुख दुख में वही तेरे साथ रहे, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे हित की चिंता करते रहे। वह लता वहीं की जहां कली तो खिली, मतलब यहाँ पे निराला जी बता रहे हैं कि उनके पुत्री की माता भी उनकी तुलना लता से कर रहे हैं कि वो लता भी वहीं की, मतलब उनकी माँ जो पत्नी थी वो वहीं पे पैदा हुई थी जहां उसकी पुत्री, जहां कली तू खिली, जहां मतलब जहां उसकी पुत्री का वो सॉरी उनके पुत्री का जन्म हुआ। स्नेह से हिली पली वहां पे, उसको भी उसी तरीके से स्नेह मिला, अंत भी उसी गोद में शरण ली, और जब उसके उनकी पुत्री का निधन हुआ तो उसी जगह पर उन्हीं की गोद में उसने जो है अपनी आंखें मूंद ली, मूंदे दिग्वर महामरण, जहां पर उसने मृत्यु को अपने गले से लगा लिया। तो यहाँ पर निराला जी अपनी पत्नी को भी याद कर रहे हैं कि उनकी पत्नी जहां पर पैदा हुई, जहां पर पली बढ़ी, उनकी पुत्री भी उसी जगह पर सारे स्नेह पाते हुए अंत में वहां पर उसने अपने मृत्यु का वरण कर लिया, वहां पर वो अपने मृत्यु को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे मुक्त छंद है, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है, कवि की मानसिक दशा का वर्णन है, साहित्यिक खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, और प्रसंग आप जानते ही हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में संकृत कविता सरोज स्मृति से उद्गृत है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जिसे कवि ने दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है, तो ये इसका प्रसंग है। सूर्यकांत द्वारा रचित सरोज स्मृति की अंतिम कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट, सीत के से सद्दल कने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं। वे बताना चाह रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अगर उनके कर्म की क्षति होती है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दुख ही झेले हैं, सुख उन्हें मिला नहीं है, और जो दुख मिले हैं उन्होंने अपने दिल में दबाए रखा है। कवि ये कहता है कि उसे अब किसी के सामने कहने से कोई लाभ नहीं है, जो इतने दिन से मैंने दुख अपने दिल में दबाए हुए, जो बातें अपने मन में दबा कर रखी हैं, उन्हें मैं दूसरों के सामने क्या जाहिर करूं। तो पंक्तियों का जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, कि मैं जो भाग्यहीन, मैं बिना भाग्य का व्यक्ति जिसका तू ही सहारा थी, युग माने दो दो वर्ष बाद जब हुई विकल, मतलब 2 वर्ष बाद भी जब ये विराट रूप ले रही है, विकल हो रही है, दुख ही जीवन की कथा रही, मेरे जीवन की तो कथा ही दुख से भरी रही, अब जीवन की इनकी कथा दुख से भी कैसे भरी रही,
पहले तो दो मुख्य बातें आपने अब इस कविता में जान ही ली हैं कि एक तो इनकी पत्नी का जो देहांत था वो काफी जल्दी हो गया था, दूसरा इनकी पुत्री का भी देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया। तो दुख ही जीवन की कथा रही, इनके जीवन का जो कथा है या जीवन का जो सबसे बड़ा भाग वो दुख से ही भरा रहा है। क्या कहूं आज, आज मैं क्या कहूं, आज कहने से क्या लाभ, आज अगर मैं किसी से कहना चाहूं तो क्या कहूं, जो नहीं कही, जो अब तक किसी से कही नहीं, हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म, यदि धर्म मेरा बना रहे और मेरे कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए, यानी मेरे कर्म पर कुछ छिन्न भिन्न भी हो जाए, रहे न तो सदा मात, मतलब मेरे सर सदा झुके रहेंगे इस पथ पर, मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट सीत के से सतदल कने, मतलब मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट, मेरे अगर मेरे द्वारा किए गए कार्य अगर नष्ट भी हो जाए, जैसे शिशिर ऋतु में कमल के जो पुष्प होते हैं, जो पंखुड़ियां होते हैं, नष्ट हो जाती हैं, उस प्रकार अगर मेरे सारे सकल कार्य भी नष्ट हो जाएं, मेरे कर्म का जो फल है वो भी नष्ट हो जाए और मैं धर्म प्रिय मार्ग पर चलता रहूं, तो भी मैं ये सब सहन करने के लिए तैयार हूं। गत कर्मों का अर्पण कर, मतलब गत कर्मों यानी पिछले कर्मों का, मतलब जो जीवन में, पिछले जीवन में जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं वो मैं तुझे अर्पण करता हूँ, यानी तुझे समर्पित करता हूं, करता मैं तेरा तर्पण, और उसे समर्पित करते हुए मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूं, मेरा तर्पण स्वीकार करो। तो यहां पर सरोज जी अपने पिछले जीवन में जो भी उन्होंने शुभ कार्य किए, जो भी शुभ कर्म किए हैं, वो बताते हैं कि मैं उसे तुमको अर्पण कर रहा हूं और इसी तरीके से मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूं। यहां पर जो कवि है वो काफी दुखी है अपने जो जीवन काल में जो उसने दुख झेले हैं, जो अपने हृदय में दुख को सजोए रखा, जो किसी के सामने व्यक्त नहीं किया, वो यह बताना चाहता है कि अब उसे दूसरे के सामने व्यक्त करके कोई फायदा नहीं है, और चूंकि जीवन में उसके दुख ही दुख है, तो अगर उसे अपने कर्म का कोई फल नहीं मिलता लेकिन वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो वो इसे सहन करने के लिए तैयार है। तो यहां पर अनुप्रास और उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है, मिश्रित शब्दावली खड़ी बोली है और मुक्त छंद है। तो ये अंतिम पंक्तियां थी सरोज स्मृति की, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया था। यहां पर एक बार मैं आपको फिर से पूरी कविता का सारांश बता दूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा अपने पुत्री का विवाह संपन्न किया जा रहा है। विवाह के दौरान कोई भी वहां पे परिवार का सदस्य मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी भी अन्य मेहमानों को आमंत्रण नहीं भेजा गया है। बहुत ही सादगी के साथ सूर्यकांत जी के पुत्री का विवाह हो रहा है। विवाह के समय के दृश्य को देखते हुए सूर्यकांत जी हर एक भाव को, अपने पुत्री का जो विवाह हो रहा है उसमें उसके मुख और शरीर पर दिखने वाले भावों को प्रस्तुत करते हुए अपनी स्वर्गीय पत्नी को भी याद कर रहे हैं, अपने युवावस्था के समय को याद करते हुए, और साथ में ही अपने द्वारा झेले गए, अपने द्वारा सहन किए गए दुखों को याद करते हुए इस कविता में के माध्यम से उन्होंने ये वर्णित किया, यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो ये है सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित।